देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। सेरामिक्स और टेफ्लॉन कोटिंग गाड़ी की इंटीरियर सफाई आधुनिक मशीन से। कोकर स्थित काला टायर के शोरूम में पधारे। मैं कामयाब हुआ उसकी वजह कि बड़ा सहारा था कि कोई सहारा नहीं था। मुंबई में झारखंड के कलाकारों को कितना सम्मान मिलता है? बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता। इसमें झारखंड की कहानी है तो झारखंड के आर्टिस्ट होते नहीं। फैक्ट्री को लोग इतना इजी समझते हैं कि आईने में देखा, पाउडर लगाया और सीधा वो बेचने गए। तो मैं भूखे बेचने वाला नहीं हूँ, मैं माली हूँ जिसने फूल उगाए हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और सबरंग में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो पहचान की मोहताज नहीं। हिंदी सिने जगत के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक इकबाल दुरानी साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बातें करेंगे, पर उससे पहले हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, सबरंग समाचार में आपका स्वागत है। खुश है। जी सर। तो हमारा आपसे झारखंड में आना और आपकी जो फिल्म जिसके बारे में आपने सोचा है अभी, तो उसके बारे में पहले ये मैं कहूँ आपसे कि सभी जानते हैं फिल्म पैसों से बनते हैं, ख्यालों से बनते हैं, लेकिन ये फिल्म जो है अब तक का सफ़र मेरे ख्वाबों के ज़रिए हुआ है। ये फिल्म मेरा ख्वाब भी है और मेरे ख्वाब ही इस फिल्म को बनाएंगे, चूँकि इस पर ख्वाब बहुत पहले देखा जब मैं इसी रांची शहर के जिला स्कूल का मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूँ एक साल। फिर मैं इसी झारखंड के चावासा कॉलेज टाटा से मैंने ग्रेजुएशन भी किया। इस दौरान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा भी और पता नहीं बिरसा मुंडा पे फिल्म बनाने का ख्वाब के बच्चे ने पता नहीं कब मेरी उंगली थाम ली और तब से ये ख्वाब मेरे साथ रहा। तो मैं बहुत सारी कामयाब फिल्में दी, कामयाबी के तूफानों से गुजरा, लेकिन ये ख्वाब कि मैं बिरसा मुंडा पे बनाऊँ फिल्म, ये ख्वाब ने मेरा दामन नहीं छोड़ा। और अब मैं उस पहले उस पर किताब लिखी, गांधी से पहले गांधी, और अब मैं उस पर फिल्म बनाने के लिए सोच रहा हूँ और सोच ही नहीं रहा हूँ, उसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो मेरा सवाल यही है कि देश में कई ऐसे सूरवीर हैं आप जिन पे फिल्में बना सकते थे, तो आपने झारखंड के बिरसा मुंडा को ही क्यों चुना? अब आप ये बताइए मैडम, मैं क्यों नहीं चुनूं जबकि बिरसा मुंडा मेरे प्रदेश का है ये, जी सर, और ये मिस मिट्टी का है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है बिरसा मुंडा के कि इसका कोई एक शेड नहीं है। जैसे आपने कहा सूरवीर, तो बिरसा मुंडा सूरवीर भी था, बिरसा मुंडा रिफॉर्मिस्ट भी था, बिरसा मुंडा भगवान भी था जो स्पिरिचुअल भी था। तो ये बिरसा मुंडा एक ऐसा करेक्टर है जिसके कई शेड्स हैं। ये मसीहा भी था, क्रांतिवीर भी था, भगवान भी था। तो ये इसका जो मल्टी कलर जो है ना, रंगीनी, लोग पूछते भी हैं। हाँ, तो मुझे वो अच्छा लगा। आपको भी सतरंगी तमाशे आसमान में अच्छे लगते हैं ना, तो उसी तरह से मुझे भी रंगीन लोग अच्छे लगते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर, आप ने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो आप किन किन परिस्थितियों से गुजरे और उस समय बॉलीवुड में मुकाम पाना कितना मुश्किल था? बहुत ही मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि आज जो मुश्किल है उससे 100 गुना ज़्यादा मुश्किल था। वो यूँ कि आज अगर कोई नया लड़का जाता है तो उसको टीवी फिल्में, टीवी 100 से ज़्यादा रोज शूटिंग होती हैं, छोटी छोटी फिल्में बहुत बन रही थी। हमारे ज़माने में सिर्फ फिल्म था, कोई टीवी नहीं था, तो इसलिए वो काम मिलना बहुत मुश्किल था। और फिल्मों में एक ही फिल्म, तो उसमें सब स्ट्रगल करते थे, तो बड़ा मुश्किल था काम। और मेरे जैसे लोगों का जिसके पास न पैसे हों न रिश्ते हों, और मैं वो कभी बम्बई देखा नहीं, फिर हुआ तो उसकी वजह है कि बड़ा सहारा था कि कोई सहारा नहीं था। मुझे शुरू से लगा कि यहाँ जो भी करना है अपने दम पे करना है, और मेरा जुनून मेरे साथ था और मेरा टैलेंट मेरे साथ था, तो मैं बढ़ता ही गया, जितनी परेशानियाँ आई झेलता गया। और एक दिन
ऐसा हुआ कि मेरी पहली फिल्म ही कालचक्र सुपर हिट हो गई और उसमें मेरे लिखे हुए मेरे लेखनी की बड़ी तारीफ हुई, अब मैं रातों रात सुपरस्टार हो गया। समय दूसरा सवाल है कि फिल्मों की शूटिंग के लिए झारखंड कई दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ फिल्मों की शूटिंग काफ़ी कम होती है, तो इसकी आप क्या ऐसी वजह मानते हैं? उसकी वजह कई चीज़ें हैं, कम इसलिए होती हैं झारखंड की कोई कमी नहीं है, झारखंड के पीआरओशिप की कमी है कि आप जो लोग आएंगे तो उनको अच्छे से वेलकम करें, उनको फैसिलिटी दें, लेकिन अब हमको लगता है कि लोग आएंगे और नहीं अगर आ रहे हैं तो मेरे आने के बाद एक अच्छी सी फिल्म मैं यहाँ बना दूँ तो फिर मैं ही झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊँगा और बहुत सारे लोग आएंगे। पहले कमियाँ थी, फ्लाइट कम होती थी, फ्लाइट नहीं था, यहाँ फाइव स्टार होटल नहीं था जो, तो अब ये सारी चीज़ें रांची में सब हो गई हैं, जमशेदपुर में हो गई हैं और गवर्नमेंट भी अब जागरूक हो गई है और तो मुझे लगता है कि अब लोग आएंगे, लेकिन उनको सही तरीके से वहाँ झारखंड को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर प्रेजेंट करने वाली कोई पर्सनैलिटी नहीं है जो यहाँ के लोकेशन की उनको तस्वीर दिखाए, बातें करे, ये करे, वो करे। यही काम सिर्फ बातों से नहीं, फिल्म बना के मैं करने जा रहा हूँ, तो आप लोग दुआ करें कि मेरे वक्त मेरे बात लाइन लग जाए। सर, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में कलाकारों की कमी नहीं है, तो सर आपकी नज़र से क्या है, क्या लगता है आपको कि मुंबई में झारखंड के कलाकारों को कितना सम्मान मिलता है? बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए कि इनके पास जो रेफरेंसेस हैं कि आप क्या करके आ रहे हैं, तो रेफरेंसेस इनके पास नहीं, कुछ संबलपुरी डांस का एल्बम करके आया, कोई कुछ करके, यहाँ पर कोई जनरल मतलब जेन्युइन काम नहीं हो रहा है, तो जेन्युइन काम नहीं होता इसलिए इनके पास रेफरेंस बेचारों के पास नहीं बनता, तो जब रेफरेंस नहीं बनता और आपके पास टैलेंट नहीं आता, एक्टिंग कुछ एक्टिंग सिखाने वाले लोग यहाँ कितने हैं और कितने लोग एक्टिंग सीख रहे हैं, तो आप है ही नहीं, अब डायरेक्ट आप टिकट कटा के चले जाएं बोलेंगे मैं एक्टर हूँ तो आपको तो मुश्किल होगी ना। आप इंजीनियरिंग 5 साल आप पढ़ते हैं तब जाके आप इंजीनियर बनते हैं, डायरेक्ट तो इंजीनियर की नौकरी नहीं मिली। एक्टिंग को लोग इतना ईजी समझते हैं कि आईने में देखा, पाउडर लगाया और सीधा बम्बई चले गए। डिजर्व देन डिजायर, डिजायर करना बुरी बात नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ तैयारी तो करो। सर, आप जब शूटिंग करते हैं, जब आप शूटिंग पे रहते हैं, तो कोई ऐसा रोचक घटना हुई होगी तो आप हमें बताइए सर। ऐसी इतनी ज्यादा घटनाएं हैं कि उनके बारे में क्या बोलूं मैं। एक घटना जो आपको आपके दिल को छू गई होगी, आपको याद होगी, बहुत आपके दिल के करीब होगी जो। मैं क्या पुरानी चीजें याद नहीं रखता, मुझे आगे के सीन क्या होंगे बस यही याद है। ये इतना याद है कि कई चीज़ें मैंने बहुत अटपटी की हैं, जैसे मेरी फिल्म थी धरती पुत्र जिसका मैं राइटर भी था डायरेक्टर भी था, उसमें मैंने 20 लाख कांच की चूड़ियों का सेट लगाया, पूरे बॉम्बे से मैंने चूड़ियाँ ख़त्म करवा दी कांच की। तो वो कभी गाना देखना जो जयपर्दा और ऋषि कपूर का गाना है, तो मैं हमेशा वहाँ भी जाके इंडस्ट्री में भी सोचता था कि कुछ करूँ। उसी में एक गाना है जहाँ पे कि डांसर्स को खुले बदन रखा और उस पर मैंने नारियल तेल फेंकवाया और उस पर चारों तरफ से मैं वो और लाइट पीछे जला दी बर्निंग, तो जब तेल फेंका जाता था ना जैसे लगता था अंगारों की बूंद उनके बदन की तरफ जा रही है। तो ये सब मुझे फिल्मों में नया नया प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था और यही वजह है कि लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं अभी भी। और ये भी मेरा एक नया प्रयोग है कि बिरसा मुंडा पे फिल्म बनाना, ये पूरा प्रयोग है। हाँ, तो इसमें जो है यहाँ के 100 साल पहले का ने जो सभ्यता दिखानी है, ये आसान काम तो है नहीं। और इसमें ही एक फ़ायदा होगा झारखंड के लोगों को कि जो झारखंड का मतलब सब लोग हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य आदिवासी, तो आदिवासी का जो है उनके चेहरे का शेप, उनका बोलने का स्टाइल वो डिफरेंट है, तो वो बम्बई की इंडस्ट्री से ज़्यादा मैच नहीं करता, इसलिए उनको दिक्कत होती है एडजस्ट कराने में। जैसे एक नेपाली को बॉम्बे में एक्टिंग के लिए जल्दी चांस नहीं मिलता क्योंकि उनका फेस अलग है, तो यहाँ भी फेस थोड़ा अलग है इसलिए दिक्कत होती है। लेकिन जब आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा तो फेस भी ख़त्म हो जाता है। जैसे डैनी साहब, उनको पहले कोई लेता नहीं था कैसा है, लेकिन बाद में जब वो एक्टर अच्छे बने तो उसी तरह। तो ये लेकिन जो हम मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि बिरसा मुंडा के ऊपर फिल्म है तो इसमें झारखंड की कहानी है, तो झारखंड के आर्टिस्ट होंगे तो इनका वही चेहरा यहाँ पे हमको सूट करेगा फिल्म में, तो ये परफॉर्मेंस को उनको मौका मिलेगा और ये बॉम्बे में लोगों ने देख लिया ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो फिर कुछ नहीं, फिर आपका चेहरा बेमाने हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सर,
अभी जैसे बॉलीवुड में सुशांत सिंह को लेके हर तरफ चर्चे हैं, और जैसे बॉलीवुड को हम जैसे यूथ आज अपना आइकन मानते हैं, तो सर बॉलीवुड ये सुशांत सिंह के डेथ केस को आप क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे कि वो मर्डर है या फिर वो सुसाइड है? देखो ये तो सीधा सीधी मामला मर्डर का है, लेकिन कातिल कौन है, जमाना या उसके दोस्त या खुद सुशांत सिंह अपना कातिल है, ये फैसला होना बाकी। कातिल तो है, ये नॉर्मल मौत की नहीं है, चाहे तो जमाने ने कत्ल किया या उनके दोस्तों ने दुश्मनी का हक अदा किया या उनकी बेवफाई से एक आदमी इतना घबरा गया कि उसने खुद को कत्ल कर दिया, यही तीन संभावनाएं हैं ना। अब ये तीनों संभावनाएं सीबीआई के पास हैं, तो हम खामोश रह करके उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, बजाय कि हम एक दूसरे से दिमागी झगड़ा करें और मंतिक करें, क्योंकि हम सिर्फ बहस करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, कुछ अगर आप कर सकते हैं तो बहस ना करें, आप वो करें, कुछ आपके फुटेज हो, कुछ उसके प्रूफ हो तो दें। मेरे को सिर्फ ये लगता है कि इन सारी बातों में इस दंगल के अंदर ये मंगल मंत्र भूल गए कि वो आदमी गरीबी से निकला, बिहार से गया, बगैर किसी हेल्प के इतना ऊपर गया, इसको क्यों नहीं एक मंत्र बना के अपने दिल में टांगा? बात है, बहुत सारे लोग मतलब जो आज की यूथ है जो चाहती है कि मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाए, वो ये भी सोच रहे हैं कि सुशांत के जैसा ही उनके साथ टॉर्चर ना किया जाए। टॉर्चर अगर किया जाए तो क्या होगा, लोहा अगर आग में दे दिया तो क्या लोहा पिघल जाएगा, तलवार बन जाएगी वो? तो आप कैसे हो, और टॉर्चर कहाँ नहीं होगा, रांची के सड़क पे क्या आपका टॉर्चर शोषण नहीं होता? शोषण कहाँ नहीं है, और ये शोषण ही हमें स्ट्रांग बनाता है। ये पत्थर ही जब बहते हुए पानी के सामने जब पत्थर आता है तो पानी की लहरें ऊपर चली जाती हैं, ये पत्थर ही लहरों को ऊंचाई देती है, लेकिन अगर तुम कमजोर हो तो पत्थर तुम्हारा रास्ता रोक देंगे। मजबूत बनो, मुश्किलें हमेशा आएंगी, बड़ा चीज पाना चाहते हो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। छोटी चीज करना है, पान की दुकान खोल लो, कोई संघर्ष नहीं है, छोटा मोटा संघर्ष करो, छोटी मोटी जिंदगी जियो। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड के किन किन कलाकारों ने आपने मौका दिया, आपने आगे बढ़ाया? हाँ, आगे बढ़ने बहुत लोगों का पहली फिल्म में बहुत बड़ा हाथ होता है सबका, और कई ये मेरी लोग मुझे एक्चुअली पारस कहते हैं, सोना नहीं कहते, मुझे पारस कहते हैं कि इकबाल जी जो आपसे साथ लगा वो स्टार बन गया, और दूसरे लोगों ने फिल्म बनाई है लेकिन मैंने स्टार भी बनाए हैं फिल्मों के अलावा। मसलन जैसे शाहरुख खान की पहली फिल्म थी दिल आशना है, वो मेरी लिखी हुई थी, और उसका पहला इंटरव्यू भी दिल आशना में मैंने लिया था, जो हेमा मालिनी उसकी थी डायरेक्टर, वो भी तो उसका मैंने देखा है शुरू में कैसे डायलॉग का उसमें करेक्शन करना। ये अजय देवगन, उसकी भी पहली फिल्म फूल और कांटे, वो मेरे साथ इतना मेहनती शुरू से था, जबकि लोग कहते थे कि शक्ल अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कहने वाले बहुत कहते हैं, लेकिन उसने अपने आप को प्रूफ किया पहली फिल्म से कि कितना अच्छा एक्टर है। तो और आज वक्त ने प्रूफ कर दिया कितना अच्छा उसकी तकदीर है, तो तकदीर और ये मिल गई तो आज वो कहाँ है। अक्षय कुमार सौगंध उसकी पहली फिल्म थी, तो उसको जब तक तो एक्टिंग में भी बहुत नहीं, वो सौगंध अगर आप देखिए पूरी फिल्म में डायलॉग थे मुकेश खन्ना और राखी के, इतने मैंने मेरे डायलॉग हिट हुए थे कि डायलॉग भी तालियां बजती थी और फिल्म सुपर। ये सारी फिल्में स्क्रिप्ट मेरी लिखी हुई जो बहुत चली, तो चलना उस हीरो के लिए बड़ा ज़रूरी होता, अगर वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होती नहीं चलती तो उनका करियर भी ख़त्म होता, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। काज ये जो थी रानी मुखर्जी, उसकी पहली फिल्म थी मेहंदी जो कभी कभी आती है उस पर, वो भी मेरी लिखी हुई थी। उसके बाद एक लड़का था जिसको चांस नहीं तो नहीं दिया, लेकिन हिंदी में उसकी पहली फिल्म थी वो था नागार्जुन, उसकी पहली फिल्म थी शिवा, वो भी मेरी थी। रामगोपाल वर्मा की भी पहली फिल्म थी, तो इन दोनों को समझो हिंदी में पहली बार मैंने ब्रेक दिया, उनके साथ काम किया। फिर ममूटी केरला का बहुत बड़ा हीरो था, उसको भी हिंदी में सबसे पहली बार मैंने ब्रेक दिया। तो ये तो एक्टरों का है, फिर कितने एक्ट्रेसेस में उसको मधु को ब्रेक दिया, शांति प्रिया को ब्रेक दिया, सब मेरे साथ हैं। तो मैं बुके बेचने वाला नहीं हूँ, मैं माली हूँ जिसने फूल उगाए। बहुत खूब कहा सर आपने, बहुत।
मैं माली हूँ, उसके बाद फिर उनका दूसरी फिल्म नहीं किया, फिर दूसरा फूल लिया, उसको पैदा किया ऐसे ही। सर हमने सुना है ये बात कि सुशांत सिंह को आप अपनी फिल्म में कास्ट करवाने वाले थे। अरे वो यही बात, पिछली बार जब मैं रांची में आया और ये मैं गवर्नर साहब से मेरी मीटिंग भी हुई, तो मैंने कहा उनको किताब दी, तो फिर ये हुआ कि चलो इस पर फिल्म बनाते हैं। तो मैं जाके सोचने लगा कि मैं हीरो के रोल के लिए किसको लूँ, तो फिर मेरे बेटे ने बताया कि धोनी के ऊपर फिल्म बनी है, मैं थिएटर तो नहीं जाता इसलिए मुझे नहीं पता था, उसने बताया कि धोनी के ऊपर फिल्म बनी है, आप देखिए बायोपिक है, तो आपकी फिल्म भी तो बायोपिक है बिरसा मुंडा के, तो उन्होंने देखा, तो मैंने फिल्म देखी, तो मैंने देखी अरे ये तो बहुत अच्छा रोल किया है इसने, ये कौन है, सुशांत सिंह राजपूत, बोले यार ये तो मेरे बिरसा मुंडा के लिए भी सही रहेगा, ये तो मसीहा है, इसके चेहरे पे एक हल्का दर्द है, मुस्कुराहट भी है इसके चेहरे पे, तो यही तो हमको चाहिए कि गरीबों के लिए लड़ने वाले के चेहरे पे एक दर्द भी हो, मुस्कुराहट भी हो। हमने कहा यार ये मेरे को परफेक्ट लग रहा है, टॉल भी है, इसका एज ग्रुप भी वही है जो बिरसा मुंडा का है, तो हमने कहा इससे बात करेंगे, ये मेरे को मिल गया हीरो, तो मैं एकदम चैन की नींद सो गया। फिर अचानक एक रात जब मुझे मालूम हुआ सुबह को कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया, मैं एकदम चीख पड़ा, जैसे लगा मेरे ख्वाब का किसी ने गला घोंट दिया। मैंने कहा नहीं, मेरा भगवान मेरा मसीहा मर नहीं सकता, मेरा हीरो नहीं मर सकता ऐसे, वो इतना कमज़ोर नहीं हो सकता, मेरी रीडिंग इतनी कमज़ोर नहीं थी, क्योंकि उसके चेहरे को मैंने देखा उसमें डिटर्मिनेशन मुझे नज़र आता है, ये आदमी सुसाइड कर ही नहीं सकता, ये ज़रूर कत्ल किया गया। मेरा मेरी पहली आवाज़ मेरे दिल की थी कत्ल, और जिससे मैं जिंदा ज़िंदगी में मिलना चाह रहा था उसकी मौत के बाद भी उससे मिल नहीं पाया, चूँकि उसकी लाश को जल्दी से सब क्रियाक्रम कर दिया गया, किसी को कोरोना के वजह से किसी को बुलाया नहीं गया। तो मेरी ये ट्रेजडी रही कि सोचा उसको, ख्वाबों को बुना उसको, लेकिन उससे कह नहीं पाया, और फिर मिल नहीं पाया ज़िंदगी में भी नहीं, मौत के बाद भी देख नहीं पाया। तो अभी फिर उसी फिल्म को बना रहा हूँ, और अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि उसकी जगह पर मैं किस को लूँ। जैसा कि अभी टीवी और न्यूज़ चैनल्स पे हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड को ड्रग्स से जोड़ा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड से ड्रग्स का नाता है? नहीं, कोरोना जब थोड़ा सा बंद हुआ, शराब की दुकान खोली गई, तो कितनी लंबी लाइन थी, बहुत बड़ी लाइन। हाँ, तो ड्रग का ताल्लुक तो सब जगह है जी सर, वो सामने नहीं आता बस, वहाँ पे कुछ वाकया हो गया इसलिए आप बोल रहे हैं ड्रग 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 का नहीं। 7 बजे शाम के बाद दिल्ली और बॉम्बे में हर के घर में शराब की बोतल खुल जाती है, और पहले तो मर्द पीते थे 20 साल पहले, अब तो उनकी बीवियाँ भी पीती हैं, बहनें भी पीती हैं, साथ में पीती हैं, ट्रेंड है सर। तो ये ड्रग तो बहुत ही, कहीं शराब की शक्ल में है तो कहीं उस एलर्जी की शक्ल में, कहीं हीरोइन की शक्ल में, लेकिन सवाल ड्रग का नहीं है। ड्रग तो हमारी सोसाइटी में भरा पड़ा है, आपके यहाँ भी है, रांची में भी ड्रग है, हड़िया भी ड्रग है, सवाल ये है कि उस ड्रग को हम कितना यूज़ करते हैं, और सवाल ये है कि उस ड्रग को यूज़ करके हम क्या क्या अर्थ या अनर्थ करते हैं। अगर अनर्थ करते हैं तो वो इशू बन जाती है, तो वही हुआ इस बार, इतने जितने लोग मिले इस कहानी के अंदर सब नशीले लोग मिले, और जितने नशीले मिले वो सारे जहरीले लोग हैं, तो नशा बदनाम हो गया। अगर हम नशा करके तुम्हें अच्छी सी कोई गजल सुनाए दर्दनाक, तो तुम बुरा मानोगे? नहीं। अगर हम गालियां बके तो बुरा, तो नशा क्या हुआ, नशा कहाँ कसूरवार है, कसूरवार हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। सर आपने सामवेद को उर्दू में ट्रांसलेट किया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसको किया तो उसके बीच में आपको कोई परेशानी हुई, आपने क्या क्या, और हम 2 पंक्तियां भी आपसे सुनना चाहेंगे। पंक्तियाँ नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वो मुझे वो मंत्र याद करना नहीं है, अब मैंने उसका ट्रांसलेट किया है। ये हुआ कि मेरे 3.5 साल 4 साल लगे, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं मालूम, अब उसमें सामवेद का ट्रांसलेशन पता नहीं क्यों, कितना मुश्किल काम था, लेकिन मुझे लगा कि एक पंडित जी थे एटा में, गुरुकुल है उनका बहुत बड़ा, उसमें 101 जगह वो जलती है, वो हवन होता है, 101 हवन है वहाँ पे, तो वहाँ ले गया मुझे लोकेशन दिखाने के, तो मैंने देखा लोकेशन, अरे बड़ा प्यारा है, 101 हवन कुंड रात में अगर जले और एक में बड़ा
और हर के पास गेरुआ वस्त्र पहने हुए दस दस लड़के बैठे, हमने कहा यार क्या कमाल का सीन हो गई। तो मैंने उनके गुरु जी आए, बात किया, तो बोले इकबाल जी फिल्मी आदमी और मुस्लिम आदमी अध्यात्म के ऊपर इतनी अच्छी बातें मैं तो सोचा ही नहीं था आपसे होगी। फिल्म का आदमी है तो शराब और शबाब की बातें होती हैं, पैसे की बात होती है। आपको एक मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो बोले दीजिए था। तो आदमी को इशारा किया, बोला लाल कपड़े में कुछ लाया और बोला लीजिए। तो मैंने भी हाथ फैला दिया, बिना जाने के क्या दे रहे हैं, हाथ फैला दिया और मेरे को हाथ में ले लिया। फिर उन्होंने कपड़ा हटाया, बोले इसमें ऋग वेद है, अथर्व वेद है, साम वेद है, तीन वेद मैं आपको दे रहा हूँ सर अपनी तरफ से गिफ्ट। मैं हैरान, मैंने जिंदगी में उसके पहले वेद देखा नहीं था। अब मेरी आदत है कि कोई भी चीज मिले तो पढ़ूं उसको, तो तीनों वेद लाया जब बम्बई तो मैं एक के बाद एक, उसमें भवार्थ लिखे हुए थे हिंदी में, तो मैं भवार्थ पढ़ा। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर मैंने सर्च किया गूगल्स में, तो मैंने ये पाया कि साम वेद का आज तक दुनिया में किसी आदमी ने उर्दू में ट्रांसलेट नहीं किया है। और साम वेद जब पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि पूरी साम वेद जो है अर्चना की शक्ल में है, पूरी साम वेद दुआ की शक्ल में है, जैसे भगवान से दुआएं कर रहे। और उसका लहजा बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे सॉफ्ट चीज़ अच्छी लगती है, दुआ नरमी अच्छी लगती है। तो मेरे को लगा कि ये सामवेद मेरे कलम से ज़्यादा अच्छा जुड़ेगा। तो फिर मैं अपने बेटे से कहा कि ये मैं सामवेद को किसी ने किया नहीं दुनिया में, ये काम मैं कर दूँ। बोला करेंगे, आपको लग रहा है तो कर दीजिए। तो मैं पढ़ने में जितनी किताबें थी सामवेद के, जितने भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है इंडिया में, सब मंगवाया, इंग्लिश में भी मंगवाया, हिंदी में मंगवाया, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो सब अब मैं उसके पीछे पड़ गया। अब हालत ये हो गई कि मार्केट में ये बात चली गई, इकबाल जी तो वेद लिखने लगे, अब तो फिल्म से गए। हाँ, मैं खुदा की तरफ गया तो समझो बंदों से अलग हो गया, इनका ये मतलब। तो फिल्म से मुझे काम मिलने बंद हो गए, और जिनका मैं काम कर रहा था वो कोई मनी ऑर्डर भेज नहीं रहा था। 3.5 साल तक बिना किसी इनकम के मैं अपने घर में बंद रहा और सामवेद पे काम करता रहा। जो आपने मुश्किल पूछी ना, ये मुश्किल ही थी, लेकिन मुझे मालूम है और मालूम था कि मेरी फिल्में मर जाएंगी सब धीरे धीरे, हालांकि यूट्यूब में जिंदा रहेंगी लेकिन देखने वाले ना रहे शायद 20 साल के बाद, 30 साल, 40 साल के बाद, क्योंकि अभी मेरी 10 फिल्में लोग देखते रहते हैं लेकिन 50 बाकी की फिल्में नहीं देखता, वो ख़त्म हो गई। लेकिन ये सामवेद जो मैं लिख रहा हूँ ये जब तक दुनिया आएगी क़यामत या परले तब तक ये रहेगी ये किताब। और मैंने पहला काम किया है इसके ऊपर तो ये नाम भी रहेगा। तो मैं मरूंगा नहीं और मैं मरना भी नहीं चाहता, इसलिए मैंने सामवेद किया। जिस्म की दुनिया जो है, जिस्म के रंगो नूर की दुनिया है बम्बई, वहाँ पर इतने साल रहने के बाद शायद मेरे को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली, शायद वही वजह है कि मैं सामवेद की तरफ आ गया। जहाँ जिस्म की दुनिया है, मॉडल्स हैं, ये वो, उनसे शायद इतना ज़्यादा हो गया, अति हो गया कि फिर उन जिस्मों के अंदर जो एक रूह है, फिर उसमें अंदर रूह के अंदर झांकने की एक ख्वाहिश मेरे अंदर पैदा होने लगी। और शायद ये जब ये ख्वाहिश पैदा हुई तब ये सामवेद वाला मामला आ गया और मैं लिखने लगा और धीरे धीरे वो आ गया, वो मेरे अंदर आता गया। तो अब क्या होता है कि आप जो भी कर्म करेंगे दो चीज़ों पे तो नज़र आएगा, आपके हाथ की लकीरों में वो बात नज़र आ जाएगी। जैसे मैं लिखूंगा तो यूँ नज़र आएगा, यूँ ऐसे करूंगा, हाल चलाऊंगा तो यूँ, उसी तरह चेहरे जो हैं किताब हैं, तो जैसे मैं शराब पीऊँ तो मेरा शराब मेरे चेहरे पर भी नज़र आएगा। तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ अगर मेरे चेहरे पर आ गया और आपको लगता है तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे चेहरे पर वो नूर ले आए, चूँकि वो काम मैं अच्छा कर रहा हूँ तो है। लेकिन वो जो कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, जो लग रहा है आपको वो आप मगर बोल रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि एक फिल्मी, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि एक फिल्मी आदमी के चेहरे पर आपको नूर, जहाँ पर गुनाहों की कोई इंतहा नहीं है, और ये जो बैठा वो ये भी किसी इंतहा को इसने छोड़ा नहीं है। तो मैं जो हर चीज का मजा जानने के बाद अलग हुआ हूँ, इसलिए जो मैं अलग हुआ हूँ तो सही में अलग हुआ हूँ।
क्योंकि कुछ ही कसक नहीं है ना उसकी। सर बॉलीवुड में जो काम करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा अच्छी नहीं होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक्टर लोग जो हैं उस रंगीनी में इतने गुम हो जाते हैं कि पर्सनल लाइफ को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि पर्सनल लाइफ के लिए एक पवित्रता त्याग की जरूरत पड़ती है, तब आपकी पर्सनल लाइफ चलेगी। और जिस लाइफ में जाते हैं वहाँ पे बिंदास होना पड़ता, तो कभी कभी वो बिंदास उनके फिल्मी तक नहीं रहकर उनके प्राइवेट लाइफ में भी वो बिंदासपन घुस जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है जी, तो फिर तो डिस्टर्ब हो ही जाएंगे लोग। लेकिन मेरी डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी फिल्म को फिल्म रखा, फैमिली को फैमिली रखा। मेरे घर जाओगी फिल्म का कुछ एक पोस्टर नहीं मिलेगा। तो सुशांत सिंह के केस में जैसे मीडिया, जो मीडिया का व्यवहार है हर पूरे केस को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मीडिया का व्यवहार जो है वो एक तरह से अच्छा है, कितनी आवाज़ें उठी तो सीबीआई का पदार्पण हुआ जी सर, ये एक अच्छा है, सीबीआई जांच कर रही है, ये एक अच्छा। लेकिन मीडिया वहाँ पे और बोलने वाले लोग वहाँ पे जैसे लग रहा कि वो अपने पर्सनल टीआरपी के लिए बोल रहे हैं या पर्सनल खुद हीरो हीरोइन बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पे फिर सुशांत सिंह को उन्होंने साइड कर दिया ना, तो ये साइड मत करो। जिस लक्ष्य से अब देखिए, मैं गांधी से पहले गांधी बनाने आया हूँ, इसमें सनी लोहन का अगर मैं एक डांस डाल दूँ नंगा सा अंग्रेजों के सामने, आपको अच्छा लगेगा? बोले क्या इकबाल भाई, ये जस्टिफाई नहीं किया कहानी से, इसमें कहाँ से सनी लोहन को ले आया? तो इन लोगों ने वही किया है, मामला है सुशांत सिंह और उसके कातिल का पता लगाना, उसको हक दिलाना। अब इसमें एक दूसरे पे क्या क्या, और जब सीबीआई कर ही रही है तो लेट देम डू, करने दो। ऐसा लगता है कि ये खुद अपने आप को पब्लिसाइज कर रहे हैं जी। तो आप सुन रहे थे इकबाल दुरानी जी को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबरंग समाचार के साथ जुड़ने के लिए। हम सभी झारखंड वासी और सबरंग समाचार की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसी ही फिल्में बनाते रहे और आपकी आगामी फिल्म के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से सबरंग वालों को, पूरी टीम को कामयाबी के हर रंग इसको अल्लाह ताला दे, तुम्हें हर रंग में रंगे, तुम ही तुम नजर आओ, मेरी दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में अब अस्पताल जैसी व्यवस्था आपके घर पर, खास मेडिकल इक्विपमेंट की रेंटल सुविधा देते हैं हम। हैं श्री बालाजी बायोमेडिकल्स, पीस रोड बिहाइंड बीआईटी एक्सटेंशन लालपुर रांची। कॉल 920-485-800/01/02/03/04, ईमेल sbbm17@gmail.com।